पाठ छे, पूस की रात। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है तथा बताया है कि किसान बहुत अधिक मेहनत करते हुए भी सुखी नहीं रह पाता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने समाज की विषम परिस्थितियों पर कठोराघात किया है। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से उठ जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर काम करो, उपज हो तो लगान दे दो। चलो छुट्टी हुई, लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी इसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पैर के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाना लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, ये पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है, उठो फिर चिलम भरो, किसी तरह तो रात कटे, 8 चिलम तो पी चुका, यही खेती का मजा है। और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे,
मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्को उठा और गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्को ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाना तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, इस बार सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने उसे आज इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे। तब तक कहीं सवेरा होगा, अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता अब जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा।
उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आयस होकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई, पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है, शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चल रही हैं। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो, लियो, लियो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर दो तीन कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं, और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या अब सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मडैया डालने से क्या लाभ हुआ। हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।